हेलो गाइस, दिस इज सोनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज है मंगलवार और आज है देव स्नान पूर्णिमा। देव स्नान पूर्णिमा के दिन श्री प्रभु जगन्नाथ का स्नान कराया जाता है और उसके बाद वो 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं और उसके बाद 1 तारीख को रथ यात्रा निकाली जाएगी। सो आज है देव स्नान पूर्णिमा, इसलिए मैं भी नहा धो के रेडी हूँ। आज की जो हमारी ब्लॉगिंग होने वाली है, एक स्पेशल ब्लॉग होने वाली है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और बगल में रहे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। और अगर हाँ, अगर आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ 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 शेयर कर दिया कीजिए। सो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग, आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं निकल चुका हूँ अपने घर और घर से और अब जा रहा हूँ दुकान की ओर। पीछे आप देख पा रहे होंगे मेरा घर और अभी जा रहा हूँ दुकान। एक्चुअली यहाँ पे आज धूप नहीं है, बदरी की हुई है, सो उतना गर्म नहीं लग रहा है। बट हाँ, गर्मी तो है हल्की सी, बिकॉज गर्मी का मौसम है तो गर्म होना लाजमी है। सो मैं मिलता हूँ आपको दुकान के पास जाकर, तब तक कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। ये वही रास्ता है, वो देखिए नदी, नदियों में पानी भी नज़र आ रहा होगा आप सभी को। और ये वही रास्ता है जहाँ से, ये हमारा मेन रोड है घर का। तो अभी जा रहा हूँ मैं दुकान, आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। यहीं पे काफ़ी कुछ लोग बैठे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ अभी दुकान की ओर, क्योंकि कल रज संक्रांति है जो कि पूर्वी ओडिशा का प्रमुख त्यौहार है। सो पता नहीं दुकानें वगैरह खुली हुई होंगी या नहीं, क्योंकि हमारे ओडिशा में रज संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक्चुअली हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा में नहीं मनाया जाता, पूर्वी ओडिशा के लोग वही मनाते हैं। तो फिर भी ओडिशा का त्यौहार है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए। सो चलिए चलते, क्योंकि पूर्वी ओडिशा के लोग भी पश्चिम ओडिशा में के बसे हुए हैं और काफ़ी सारे दुकानें कर रखी हैं। सो उनका प्रमुख त्यौहार है तो वो तो अपने घर जाएंगे ही मनाने, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि दुकानें खुली हैं या नहीं। सो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग, मैं दुकान जाकर आप सभी से बात करती हूँ। गाइस, मैं गया था दुकान बट दुकानें बंद थी, तो अब दूसरी साइड की दुकानें जाना है, तो चलिए चलते हैं। ये मेरे घर से राइट साइड का रास्ता, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। यहाँ की दुकानें मैं भी खुली हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया जैसे कि रज संक्रांति उड़ीसा की एक इम्पॉर्टेंट त्यौहार है। सो इसी कारण लोग दुकान बाज़ार बंद रखते हैं, बट हाँ कुछ कुछ लोग खुले भी रखते हैं। सो चलिए चलते हैं। सो मेरा भतीजा मिल गया मुझे रोड पे और वो बोला चलिए चाचा नाश्ता करके आते हैं, तो वी आर गोइंग टू फॉर द ब्रेकफास्ट। और हाँ, फाइनली यहाँ की दुकानें खुली हैं और यहाँ पे लगे हुए हैं प्याऊ, जल छत्र, और ये है गांव का होटल। ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे
पापा भी अक्सर यहीं से ब्रेकफास्ट किया करते थे। यहाँ पे समोसा बन रहा है, ये है बालूशाही, यहाँ पे भट्टी में ऐसे समोसे तले जा रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ से कढ़ाई से अभी समोसा निकली नहीं है कि यहाँ से छूमंतर हो गई। तो कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगी, तो हमें वेट करना होगा। सो गाइस फाइनली मैंने ले ली ब्रेकफास्ट और मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर, और घर में आए हुए हैं मेरी भांजी और मेरी दीदी। तो पापा, हंसा, मैं, दीदी और नीनी, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट लेंगे। सो कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग और मैं जा रहा हूँ अभी घर। पानी वेस्ट हो रहा है और ये है मेरा रोड। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा था बट मैं रात में आ नहीं पाया, एक्चुअली बीते रात ही हो रहा था। सो ये अभी ख़त्म हो चुका है। ये है घर का कुआं, मेरे घर के सामने का कुआं। ये बच्चे जो हैं ये नदी जा रहे हैं नहाने के लिए। यहाँ के ज़्यादातर लोग नदी ही जाते हैं नहाने, और घर जा रहा हूँ। दीदी यहाँ पे भी खड़ी है और मैं पहुँच चुका हूँ घर। अब मैं आप सभी से ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलता हूँ। सो तब तक कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। और मैंने पापा के लिए समोसे और बालूशाही निकाल ली है, मैं अब पापा को देने जा रहा हूँ। नीनी छाड़ो, पापा लीजिए। तो पापा भी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। हमारी ब्रेकफास्ट हो चुकी है कंप्लीट और अब मैं जा रहा हूँ अपनी दीदी और भाभी के यहाँ, क्योंकि दोनों ही सब्जियों की बिजनेस करती हैं। सो घर में अभी कुछ सब्ज़ी नहीं है और मैं इसीलिए सब्ज़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। सो आप कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। मैं जाता हूँ अभी भाभी के घर और दीदी के घर और देखता हूँ वहाँ पर उनके पास में क्या क्या सब्ज़ियाँ हैं, क्योंकि फ्रेश जो सब्ज़ियाँ हैं उनके पास ही मिलेंगी क्योंकि वो बिज़नेस करती हैं सब्ज़ियों का। तो मैं जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको वहाँ पे कि क्या क्या सब्ज़ियाँ हैं उनके पास, और उसी में से कुछ मैं चुन के लाऊँगा क्योंकि आज पूर्णिमा है और हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन नॉनवेज नहीं खाते। सो कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग, मैं आपको मिलता हूँ भाभी के यहाँ और दीदी के यहाँ। ये है गांव का गलियारा। ये है हरि कीर्तन का मंडप, साइड में है कुआं। ये है कलमी शाक, देखिए कितनी फ्रेश है। मैं इसे ही लेने आया हूँ भाभी के पास में, बहुत फ्रेश मुझे ये शाक मिल गई। इसे हमारे यहाँ पे कलमी शाक कहते हैं। ये एक्चुअली बहुत पौष्टिक होती है, इसमें
क्योंकि ये बिल्कुल भी पानी में ही होती है, ये पानी से भरपूर होता है। तो आपके बदन में अगर पानी की कमी है तो ये इतने पोषक तत्वों से भरपूर है कि आपके शरीर के पानी को भी कमी को भी पूरा करता है। तो इसे आप अपने मील में ज़रूर शामिल कीजिए। सो कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग, मैं मिलता हूँ घर पे। गाइस ये है कलमी का शाक, इसे ही मैं लेकर आया भाभी से और साथ में बैंगन। तो मैं और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, ये है ओरिजिनल डेट्स खजूर जो कि मैं ले आया, मुझे बहुत पसंद है ये फल। सो दीदी अभी साग चुन रही है, बस कुछ भी अभी थोड़ा बहुत ही बाकी है और अब शाक बनेगा, उसके बाद हम खाएंगे। तक का वीडियो यहीं तक था, आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।